सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं आज का लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट के लिए आयोजित हुई टायर 1 की परीक्षा का परिणाम इस महीने में जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने नतीजे SSC रिजल्ट आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी कि SSC.NIC.IN पर जारी किया जाएगा। हालांकि परिणामों की सही तरीके से घोषणा आने अभी बाकी है, ऐसे में उम्मीदवार लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि यह परीक्षा से सफल होने वाले उम्मीदवार को टायर 2 की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CGL टायर 2 परीक्षा 14 से 17 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। कोरोना वायरस के कारण SSC ने कई परीक्षा स्थगित कर दी है। इनमें CGL संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर की परीक्षा, टायर 1 2019 जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा और अन्य परीक्षा टाल दी गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि JAC ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 6 में दाखिले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक आवेदन की प्रक्रिया 13 जून 2020 से शुरू हो गई है, 2 जुलाई तक चलेगी ये। jac.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे आप। आवेदन फॉर्म के साथ सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना होगा। ऐसे में छात्र छात्राएं ध्यान दें कि वेबसाइट पर पहले मौजूदा फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें और तभी आवेदन करें, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गलती पाई गई तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसीलिए स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखें। वहीं 19 जुलाई से प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों को राज्य में संचालित नेत्र हाट आवासीय विद्यालय, नेत्र हाट इंदिरा गांधी गर्ल्स स्कूल हजारीबाग में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्य में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा जुलाई में शुरू होगा। हालांकि प्रवेश के बाद आगे की प्रक्रिया पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया जुलाई 2020 से शुरू होगी, लेकिन आगे की प्रक्रिया COVID-19 की उच्च स्तरीय बैठक के बाद ली जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया यानी कि ICSI ने जुलाई में आयोजित होने वाली CS की परीक्षा स्थगित कर दी है। ICSI ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जुलाई में होने वाली जून 2020 सत्र के CS फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, प्रोफेशनल प्रोग्राम और पोस्ट मेंबरशिप सदस्यता परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अब यह परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। नए शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा 18 से 28 के बीच का आयोजित होगी। बता दें कि ICSI की ओर से आयोजित होने वाली यह परीक्षा पहले 6 जुलाई से 18 जुलाई 2020 के बीच होने वाली, लेकिन ICSI ने देश में COVID-19 की वजह से फैले महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया था। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ICSI.edu पर जाकर देख सकते हो। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC ने कांस्टेबल ड्राइवर के पद के लिए शारीरिक पत्रात परीक्षा यानी कि PET एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने वाले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि csbc.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर मौजूदा सारी डिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी आती है तो फिर एग्जाम सेंटर पर बैठने में मुश्किल आ सकती है। वहीं जिन लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है वो CSBC के ऑफिस पे डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ला सकते हैं। ऑफिस सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलेगा। उम्मीदवार ध्यान रखे कि डाक माध्यम से किसी को भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर PET परीक्षा 3 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगा। वहीं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि bihar.in पर जाकर स्कोर चेक कर
सकते हैं। NTSE ने परीक्षा 17 नवंबर 2019 को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया गया था। बता दें कि इस रिजल्ट के अलावा हाल ही में बोर्ड परीक्षाओं के भी नतीजे जारी किए गए हैं। एक तरफ जहां देश में तमाम राज्यों को बोर्ड परीक्षा अभी बाकी है, तो वहीं बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड कायम करके 10वीं और 12वीं के नतीजे सबसे पहले जारी कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आयोजित ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.du.ac.in पर जारी किया गया है। स्टूडेंट्स कार्ड जारी करने होने के बाद से ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में यूजी और पीजी परीक्षाओं के डेट शीट जारी की है। बता दें कि डीयू के ओपन बुक एग्जाम 1 से 11 जुलाई 2020 तक आयोजित किए जाएंगे। वहीं छात्र ध्यान दें कि अगर कोई छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ है तो वो विश्वविद्यालय के EDP सेल को परीक्षा के लिए प्रवेश टिकट प्राप्त करने के लिए अपील कर सकता है। वहीं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 10वीं की लंबित साइंस परीक्षा कराने का फैसला कर लिया है। इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में लंबित साइंस परीक्षा के लिए फॉर्म जारी कर दिया है। यह फॉर्म उन स्टूडेंट्स की संख्या के बारे में पता लगाने के लिए किया गया है कि कौन से स्टूडेंट 10वीं की लंबित साइंस की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। बोर्ड ऐसे छात्र का पहले रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, इसके बाद ही परीक्षा के तारीख का ऐलान करेगा। ऐसे में जो भी छात्र साइंस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट यानी कि bseh.org पर 15 जून 2020 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।